क्या से क्या हो गया देखते देखते। द इंटरेस्ट ऑफ माई इन्वेस्टर इज पैरामाउंट एंड एवरीथिंग इज सेकेंडरी। हैंस टू इंसुलेट द इन्वेस्टर्स फ्रॉम पोटेंशियल लॉसेस वी हैव विथड्रॉन द एफपीओ। एक रिपोर्ट 10 लाख करोड़ की चोट। दस दिन में 10 लाख करोड़ स्वाहा। सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते। 106 पन्नों की रिपोर्ट, अडानी साम्राज्य पर चोट। हमारा सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो कनेक्शन एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं। 88 सवाल और बिगड़ा अडानी ग्रुप का हिसाब। नेट एंडरसन ने बढ़ाई अडानी की टेंशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। तो अडानी मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया है। वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि अडानी समूह को नियमों के तहत लोन दिए गए, बैंकों की स्थिति पर इसका कोई असर नहीं हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों और LIC ने RBI को अडानी समूह को लेकर अपने एक्सपोजर के बारे में बताया है। अडानी के FPO वापस देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि FPO आते हैं और बाहर निकल जाते हैं। देश में कई बार FPO वापस लिए गए हैं और इससे भारत की छवि पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उतार चढ़ाव हर बाजार में होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि तथ्य ये है, पिछले 2 दिनों में हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार $8 बिलियन आया है। ये साबित करता है कि भारत और इसकी ताकत के बारे में धारणा बरकरार है। Leaders will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. And actually, for keeping the market and the markets regulated well in prime condition, the SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition intact. 10 दिन पहले तक हर कोई कह रहा था कि गौतम अडानी किसी भी वक्त दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को अर्श से फर्श पर पटक दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अब तक गौतम अडानी $62 अरब गवा चुके हैं। वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने यह चेतावनी दी है कि शेयरों में आई गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप की बाजार से पूंजी जुटाने की क्षमता कम हो सकती है। अब हिंडनबर्ग के आरोपों की जांच सरकार किससे करवाती है और कब करवाती है, ये तो आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप को अर्श से फर्श पर पटक ही दिया है। 9 दिन पहले तक हर कोई कह रहा था कि गौतम अडानी किसी भी वक्त दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन बन जाएंगे, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि अडानी ग्रुप और गौतम अडानी दोनों की साख और संपत्ति में दिन दूनी रात चौगनी कमी आ रही है। हालत ये हो गई है कि गौतम अडानी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में टॉप 10 तो छोड़िए टॉप 15 से भी बाहर हो गए हैं। अडानी फोर्ब्स की रिचेस्ट मेंस लिस्ट में 17वें नंबर पर लुढ़क गए हैं। गौतम अडानी ने पिछले साल $44 अरब की कमाई की थी, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से अब तक गौतम अडानी $62 अरब गवा चुके हैं। यानी पिछले साल जितनी दौलत बढ़ी थी, पिछले 9 दिन में उससे 1.5 गुना रकम कम हो गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयर 60% तक नीचे जा चुके हैं, जिनमें अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस शामिल हैं।
हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैपिटल को अब तक 9,70,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया है और अब अडानी ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैपिटल करीब 10,00,000 करोड़ रुपए बची है, जो 24 जनवरी को करीब 19,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। अब भले ही हिंडनबर्ग के आरोपों में दम हो या ना हो, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप की कंपनियों का दम निकाल दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी के साम्राज्य को हिला कर रख दिया है। इस रिपोर्ट पर भले ही किसी को भरोसा हो या ना हो, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मार्केट ने भरोसा दिखाया है और अडानी ग्रुप पर शक जताया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्विलांस मेजर्स यानी ASM लिस्ट में शामिल कर लिया है। इनमें अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस और अंबुजा सीमेंट शामिल हैं। ASM निगरानी का एक तरीका है जिसके जरिए मार्केट के रेगुलेटर SEBI और मार्केट एक्सचेंज BSE NSE संदिग्ध शेयरों के उतार चढ़ाव पर नजर रखते हैं। अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज डाउ जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से अडानी एंटरप्राइजेस को बाहर कर दिया गया है। ये एक तरह से निवेशकों को वार्निंग है कि अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर अब स्थिर नहीं है और उन्हें खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि शेयरों में आई गिरावट की वजह से अडानी ग्रुप की बाजार से पूंजी जुटाने की क्षमता कम हो सकती है, यानी बाजार के सेंटिमेंट्स अब अडानी ग्रुप के खिलाफ है और आने वाले दिन अडानी ग्रुप के लिए और ज्यादा भारी हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर इतने लाल नहीं हो रहे जितने लाल विपक्षी नेताओं के चेहरे गुस्से से हो रहे हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि हिंडनबर्ग के आरोपों की विस्तृत जांच के लिए सरकार संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC का गठन करें। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अब शेयर बाजार के बाद सियासत में भी उथल पुथल मचा दी है। आसान भाषा में कहें तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से शेयर बाजार में सेंसेक्स नीचे जा रहा है और सियासत का सेंसेक्स तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। लगातार दूसरे दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर संसद ठप रही, क्योंकि विपक्ष अडानी ग्रुप पर लग रहे आरोपों की जाँच की मांग पर अड़ गया है। वही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर लगातार 11वें दिन भी लॉस में रहे। हालत ये हो गई है कि गौतम अडानी अब दुनिया के टॉप 15 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं सियासत के सेंसेक्स की। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्षी सांसद अडानी ग्रुप को लेकर पिछले दिनों आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आक्रामक हो गए। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। सांसदों ने वी वॉन्ट JPC और देश की लूट बंद करो के नारे लगाए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि शेयर बाजार का ये अमृतकाल का सबसे बड़ा महाघोटाला है। इसको लेकर विपक्ष क्या मांग कर रहा है, आपको बताते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और इसमें अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप पर संसद में चर्चा हो। हिंडनबर्ग के आरोपों की विस्तृत जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी JPC बनाई जाए। हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर गौतम अडानी को JPC के सामने पेश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में हिंडनबर्ग के आरोपों की निष्पक्ष जांच हो। LIC और स्टेट बैंक में जमा लोगों के पैसे की सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, इसे लेकर संसद में वित्त मंत्री जवाब दें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में इस मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों की मीटिंग बुलाई। इसमें कांग्रेस, TMC, आम आदमी पार्टी, SP समेत 13 पार्टियां शामिल हुई। कांग्रेस ने तय किया है कि उसके कार्यकर्ता 6 फरवरी को देश भर के जिलों में स्थित LIC और SBI कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे।